स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, फैक्टर थ्योरम। और उससे पहले हम लोग पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा था और रिमाइंडर थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस हमने देखे थे, तो आज हम कुछ और रिमाइंडर थ्योरम्स के एप्लीकेशंस ले लेंगे, उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम को देखेंगे, ठीक है। आप इस चैप्टर के सभी वीडियोस को शुरू से लास्ट तक देखिए तो आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना तो एनसीईआरटी का, ना ही आर एस अग्रवाल का, ना ही आर डी शर्मा का, ठीक है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा इन वीडियोस के थ्रू, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। दो और हमारे पास क्वेश्चन है जो कि रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर इज डिवाइडेड बाई जी एक्स इक्वल टू वन माइनस थ्री एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, बट हमने आपको रिमाइंड कराने के लिए फिर से ले लिया, तो बहुत आसान है, मैंने इसका सोल्यूशन बताया था। वैसे रिमाइंडर आप जो ऑर्डिनरी मैथड है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके लाएंगे आप, डिविजन का तरीका, तो क्लास टेंथ में डिटेल सीखेंगे और वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो आइए रिमाइंडर थ्योरम से इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जिस चीज से डिवाइड करना हो आप उसे पहले जीरो कीजिए, ठीक। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास पॉलिनोमियल जी एक्स है इसको हम जीरो कर देंगे, तो पॉलिनोमियल जी एक्स का वैल्यू है वन माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। यहां से आप एक्स फाइंड कर लीजिए, तो एक्स फाइंड करेंगे तो देखिए ये वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसल हो गया, तो यहां से आपको एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री मिल गया। अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यहां सीधा सीधा पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, वो भी कब, एक्स की जगह वन बाई थ्री रख देंगे, तो हो गया यहाँ पे वन बाई थ्री का, देखिए यहाँ पे पावर थ्री है तो क्यूब हो गया, माइनस सिक्स इंटू वन बाई थ्री का स्क्वेयर हो गया, प्लस टू इंटू वन बाई थ्री हो गया, माइनस फोर हो गया। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा ये हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्स बाई नाइन प्लस टू बाई थ्री माइनस फोर। चलिए ट्वेंटी सेवन नाइन एंड थ्री का अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो ट्वेंटी सेवन आएगा, तो यहाँ पे वन हो जाएगा माइनस, देखिए नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, तो सिक्स थ्री जा एटीन, थ्री नाइन जा तो नाइन टू जा एटीन, और माइनस फोर है तो माइनस फोर इंटू ट्वेंटी सेवन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा है ना, वो हमें मिलेगा कैलकुलेशन के बाद, देखिए माइनस एटीन प्लस एटीन कट जाएगा, ट्वेंटी सेवन फोर या वन हंड्रेड एट नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो माइनस वन हंड्रेड सेवन बाई ट्वेंटी सेवन, ये हमें रिमाइंडर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कह रहा है रिमाइंडर सेम आएगा, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ ए बताइए। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक्स का वैल्यू इसमें भी रख देंगे और एक्स का वैल्यू इसमें भी रख देंगे, अब दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि कह रहा है दोनों का रिमाइंडर सेम होगा, ठीक है। तो देखिये हम बड़े आसान से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो जिससे डिवाइड करना है आप उसे जीरो कीजिए, डिवाइड हमें एक्स माइनस थ्री से करना है जिसे हम जीरो करेंगे, ठीक है। लेट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू थ्री मिल जाएगा, देख सकते हो माइनस थ्री उधर जाके प्लस थ्री हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू थ्री आ जाएगा। अब देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कैसे मिलेगा हमें, एक्स की जगह में थ्री रख देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे ए इंटू क्यूब ऑफ थ्री प्लस फोर इंटू थ्री, ये स्क्वेयर है तो यहां स्क्वेयर कर देंगे, प्लस थ्री इंटू थ्री माइनस फोर।
अब देखिए ये रिमाइंडर आएगा कब, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस 8। अब यहां एक बात और क्या कहा कि ये दोनों रिमाइंडर जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, कह रहा सेम है, देख रहे हो ना सेम रिमाइंडर मिलता है। तो बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमें a मिल जाएगा। ठीक, तो 3 का क्यूब क्या हो गया, 27 टाइम्स a, यहाँ पे 9 4 36 प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू, आप इधर देख लीजिए, 27 माइनस 12 प्लस 8। तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 27 a और इधर है प्लस 8, तो प्लस ए इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 26 है, और इसका आप हिसाब कीजिए तो 36 और 9 कितना हो गया, 45, 45 में से आप फिर 4 कम कर दीजिए तो बचेगा 41, और तो इधर हमारे पास 41 बच रहा है। ठीक, और यहाँ आप देख सकते हो 27 में से 12 कम कर देंगे तो बचेगा 25, तो 41 को आप उधर ले जाइए तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 26a इक्वल टू ये माइनस आई थिंक 25 माइनस 41 दैट इज, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 27 में 12 कम करेंगे तो 15 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 15 माइनस 41 दैट इज माइनस 26। तो अब यहां से आप a निकाल सकते हो, देखिए a इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस 26 बाई 26 है ना, ये 26 इधर आके डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो a का वैल्यू हमें क्या मिल गया, माइनस 1 मिल गया। चलिए इस तरह के एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम समझेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, लेट आर वन एंड आर टू आर द रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7 एंड एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 आर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड x माइनस 2 रिस्पेक्टिवली, इफ 2r1 प्लस r2 इक्वल टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है r1 और r2 जो है वो रिमाइंडर है, किसका, इसका रिमाइंडर r1 है और इसका रिमाइंडर r2 है, कब, जब हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से इसको और x माइनस 2 से इसको। ठीक है, तो प्लस एक रिलेशन दे दिया है तो हमें a का वैल्यू निकालना है, तो चलिए हम पहले r1 तो निकाल लें। तो देखिए सॉल्यूशन, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। ठीक, तो माइनस 1 हम इसमें रख देंगे तो ये रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले रिमाइंडर को r1 से दिखाया गया है तो r1 लिख देंगे, r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस 1 आया, अब यहां माइनस 1 रख देंगे और इसका क्यूब कर देंगे, प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए है यहाँ पे a और x के जगह पे माइनस 1, तो ये r1 का वैल्यू आ गया। इसे थोड़ा हम सिंपलीफाई करें तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा यानी कि यहाँ 2 होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 5a यानी कि माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो हमें मिलेगा 5a प्लस 1, ये r1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा x माइनस 2 से हमें इसे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, तो पहले तो हम इसको 0 करेंगे, ठीक है, पहले तो x माइनस 2 को हम 0 करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू 2, तो अब हम x की जगह 2 रख देंगे तो इसका रिमाइंडर मिल जाएगा, इसके रिमाइंडर को r2 से दिखाया गया है तो इसलिए हम लिखेंगे r2 इक्वल टू, चलिए यहाँ पे हो जाएगा क्यूब ऑफ 2 प्लस ए एक्स स्क्वेयर यानी के a इंटू स्क्वेयर ऑफ 2 माइनस 12x मीन्स 12 इंटू 2 प्लस 6, 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया, 2 का स्क्वेयर हो गया 4, तो यहाँ पे हो गया 4a माइनस 12 टू या 24 प्लस 6, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 4a, देखिए 8 6 14 14 माइनस 24 यानी कि माइनस 10,
तो हमें R1 भी मिल गया और R2 भी मिल गया। ठीक, ये देखिए हमारे पास वैल्यू ऑफ R2 है, ये वैल्यू ऑफ R1 है। अब देखिए R1 और R2 में एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक, तो इस रिलेशन का यूज करेंगे हम। ठीक है, नाउ देखिए रिलेशन क्या है, टू टाइम्स R1, यानी कि टू टाइम्स R1, तो R1 की जगह पे क्या है 5a+1, फिर आगे है प्लस साइन तो प्लस डालेंगे, फिर है R2, तो अब R2 बराबर ये चीज आया मेरे पास कितना 4a-10=6। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 5 10a+2 1 2, फिर आगे है 4a-10=6। तो आप यहां देखिए 10a और 4a कितना हो गया 14a। अब यहाँ +2 है और -10 है, तो बचेगा -8 उधर जाके ऐड हो जाएगा 6 में, तो 6+8 ये दैट इज 14। तो यहां से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, a=, देखिए ये साइड हमारे पास 14 है और ये 14 नीचे आके डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये कट गया, तो a=, हमें वैल्यू कितना मिला 1 मिला। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स चलिए अब हम पॉलीनोमियल चैप्टर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर थ्योरम को अब डील करते हैं। ठीक है, देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि मान लेते हैं कि px एक पॉलीनोमियल है, ठीक है, और इसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कम से कम लीनियर पॉलीनोमियल हो, उससे आगे चलेगा, क्वाड्रेटिक चलेगा, क्यूबिक चलेगा, बाई क्वाड्रेटिक चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉलीनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और a कोई भी एक रियल नंबर है, यानी a के जगह में 2, 3, 4 कोई भी रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, और वो इस तरह से आना चाहिए कि p=0, यानी कि x की जगह पे अगर हम a रख दें तो 0 आ जाए अगर, तो हम क्या कहेंगे कि x-a इज अ फैक्टर ऑफ द px, तो x-a जो होगा ये इस पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि px जो है वो ये वाला पॉलीनोमियल है। ठीक, अभी हम इसको हटा देते हैं, ये वाला px जो है ये वाला पॉलीनोमियल है। ठीक, और हमारे पास a के जगह में हमारे पास रियल नंबर 3 है। ठीक, तो हमें रियल नंबर 3 है, तो अब अगर हम देख रहे हो यहां पे p=0 दिखा रहा है, यानी कि अब हम x के जगह में अगर 3 रख दें और ये 0 आ जाए तो x-a जो होगा वो फैक्टर होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं, जैसे px=, ये हमने मान लिया, ठीक, और a=, हमने 3 ले लिया, रियल नंबर 3 ले लिया। अब आप देखिए यहां पे कि अगर हम p3 निकालते हैं, है ना, p3 अगर हम निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3³ - 3×3² प्लस है तो प्लस देंगे, 4x है तो 4×3, फिर -12 है तो -12। तो आप यहां देखिए 3³ हो गया 27, यहां पर भी 27 +12 - 12, तो 27 कट गया +12 में, तो क्या आ गया 0 आ गया। कब 0 आया, जब रियल नंबर 3 रख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, तो x-3, ध्यान दीजिए जब रियल नंबर a है तो फैक्टर कौन होगा x-a, इसी तरह जब हमारा रियल नंबर 3 है तो फैक्टर कौन होगा x-3, तो क्या हो जाएगा x-3 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये क्या हो गया px का एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब ये फैक्टर क्या होता है वो भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 10, ठीक, तो 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 5 जा कितना हो गया 10, रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो 10 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि 2 जो है वो 10 का फैक्टर है। ठीक, अच्छा जो क्वेश्चन आता है वो भी इसका फैक्टर कहलाता है, बट शर्त यह है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि एक्स की जगह पे कोई वैल्यू रख दो तो जो चीज हमें मिलेगी वो रिमाइंडर मिलेगी। तो यहां मैं देख रहा हूं कि रिमाइंडर 0 आ गया, अब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब क्या है, ये एक फैक्टर है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए हम और एग्जांपल लेते हैं,
देखिए क्वेश्चन क्या है, सो दैट x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 10 माइनस वन, कह रहा है इसका ये फैक्टर ही दिखाइए। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है भाई, कि फैक्टर तब होगा जब x की वैल्यू यहां हम रख दें तो हमें जीरो मिल जाएगा, ठीक है, जीरो मिल जाएगा तो फैक्टर हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज को हमें फैक्टर दिखाना है, मुझे दिखाना है कि x माइनस वन फैक्टर है, तो आप इसे जीरो कर लीजिए, ठीक है। लेट x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन। तो अब हम वन रख के देखेंगे, ठीक है, अब हम वन रख के देखेंगे, तो देखिए नाउ x टू दी पावर 10 माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के जगह पे वन रखना है हमें, तो वन का पावर 10 माइनस वन, तो वन का पावर कुछ भी रखिए वन ही आएगा, माइनस वन क्या जीरो आ गया, तो जीरो आ गया इसका मतलब क्या हो गया, लिखेंगे ये जो है x माइनस वन वो क्या है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ x टू दी पावर 10 माइनस वन, ठीक है। इसी को कई बार लिख देगा px इक्वल टू, इसको लिख देगा gx, यानी कि एक नाम दे देगा उसे, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए उस तरह का भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स का पावर फोर प्लस 17x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 इज डिविजिबल बाय gx इक्वल टू x प्लस 5। सवाल है कि ये जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स है ना, दिखाइए कि gx से वो डिविजिबल है, ठीक, एफ एक्स जो है वो gx से डिविजिबल है। डिविजिबल कोई चीज तब होता है जब डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आ जाए, और जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं उसे हम फैक्टर कहते हैं, ठीक। जैसे आप यहां समझ सकते हो 20 एक नंबर है, ठीक, अब मुझे दिखाना है कि 20 जो है 4 से डिविजिबल है, तो कब मानेंगे डिविजिबल, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, 4 5 20, रिमाइंडर जीरो मिल गया, इसका मतलब 20 जो है 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 एक फैक्टर ही है, यानी फैक्टर थ्योरम पर ही ये बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक, और फैक्टर 5 भी हो जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबल है इसका मतलब ये फैक्टर है, मुझे दिखा देना है कि x प्लस 5 फैक्टर है, तो ये भी हो जाएगा कि x ये जो है इससे डिविजिबल भी हो जाएगा, ठीक। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, कि फैक्टर तब होगा जब x की वैल्यू इसमें रख दें और ये जीरो आ जाएगा, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, लेट x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ठीक, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे आप जीरो मान लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5। अब माइनस 5 को यहां पे रख दीजिए, ठीक है, एफ एक्स पे, तो देखिए f माइनस 5 अब लिखाएगा, क्योंकि x को रिप्लेस कर देना है किससे, माइनस 5 से, तो अब हो जाएगा 3 इंटू माइनस 5 का पावर 4 प्लस 17 इंटू माइनस 5 का क्यूब प्लस 9 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकालते थे, बस यहां शर्त है कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया मतलब फैक्टर नहीं है, ये बिल्कुल वही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो देखिये माइनस 5 का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 625, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 17 इंटू 125, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9 इंटू 25, 7x नहीं लिखाएगा यहाँ पे, माइनस 5 लिखाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस 35 माइनस 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो आ जाएगा 1875, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा, ये आएगा, तो 1875 में 225 ऐड कर दो, हो जाएगा 2100 प्लस 35 प्लस 35, अब ये माइनस 2125 और 10, तो हो जाएगा माइनस 2135, तो 2135 माइनस 2135, तो क्या देखा हमने, जीरो आ गया, जीरो आ गया इसका मतलब
x प्लस फाइव जो है वो क्या है, फैक्टर है, और फैक्टर है इसलिए एफ एक्स डिविजिबल है। लिखेंगे दिस इंप्लाइज x माइनस फाइव इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हो और ये वाला पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने लिख दिया देयर फोर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिविजिबल बाय जी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से बड़े आराम से आप बता सकते हो कि कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। बस आप रिमाइंडर थ्योरम भी लगा के दिखा दीजिए कि जीरो है रिमाइंडर, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे भी कीजिए तो जीरो आ जाएगा रिमाइंडर, एक ही बात हुई दोनों चीजें। ठीक है, तो जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाए समझ जाना जिस चीज से मैं डिवाइड कर रहा हूं वो फैक्टर है, और जिसको डिवाइड कर रहा हूं वो मल्टीपल है। कई बार मल्टीपल पे भी सवाल आते हैं। तो अब आप तो नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है, सो दैट एक्स प्लस फोर एंड एक्स माइनस सेवन आर फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन एक्स प्लस 84। तो क्वेश्चन में ये लिखा ना कि एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस सेवन जो है वो इसका फैक्टर है। ठीक, तो फैक्टर दिखाने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, वरना सीधा फैक्टर थ्योरम लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। क्या बताया गया था आप लोगों को कि जब भी जानना हो कि कोई चीज किसी का फैक्टर है या नहीं, या रिमाइंडर है या नहीं, रिमाइंडर कितना है, तो जिस चीज को मुझे फैक्टर प्रूफ करना है उसको जीरो मान लेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे यहां पे, लेट एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, यहां से हमको मिल जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस फोर। अब हम क्या करेंगे इसमें माइनस फोर रख के देख लेंगे क्या आ रहा है जीरो या नहीं। तो एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वेर माइनस नाइनटीन एक्स प्लस 84 है हमारे पास। तो अब देखिए x के जगह पर लिख देंगे हम लोग माइनस फोर क्यूब माइनस सिक्स इंटू माइनस फोर का स्क्वेयर माइनस 19 इंटू माइनस फोर प्लस 84। अब देखिए यहां पे क्या, 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64, तो माइनस 64 आएगा। यहां पर देखिए फिर से माइनस है, 4 जा 16 सिक्स जा 96 आएगा। फिर यहां पे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 76 प्लस 84। अब आप जोड़ लीजिए इसको 4 प्लस 6 10 0 96 160, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग तो आएगा प्लस 160, तो जीरो आ गया। तो जीरो आ गया इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज ये माइनस फोर कहां से आया था, एक्स प्लस फोर से। इसका मतलब हो गया एक्स प्लस फोर इज फैक्टर, एक्स प्लस फोर इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है, एक तो हमने दिखा दिया। ठीक, गिवन पॉलिनोमियल कौन सा है, ये वाला। एक और है यहाँ पे सवाल में कह रहा है एक्स माइनस सेवन भी इसका फैक्टर दिखाइए, तो फिर से क्या करेंगे, इसको जीरो कर लेंगे। लेट एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, यहां से पता चलेगा हमको एक्स इक्वल टू सेवन, तो एक्स इक्वल टू सेवन है तो इसलिए पॉलिनोमियल को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सेवन रख के तो देखते हैं क्या मिलता है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन एक्स प्लस 84 इक्वल टू देखिए क्या मिलेगा, क्यूब ऑफ सेवन माइनस सिक्स इंटू स्क्वेयर ऑफ सेवन माइनस 19 इंटू सेवन प्लस 84। क्यूब ऑफ सेवन यहाँ पे हो जाएगा 343, सेवन सेवन जा 49 सिक्स जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 सिक्स जा हो जाएगा 294। एक मिनट, सेवन सेवन जा 49 सिक्स जा तो 69 जा 24
सिक्स नाइन जा 54, कैरिंग इज 5 और 6 फोर जा 24, 5 29, ठीक है। चलिए 197 जा हो जाएगा 133 + 84, 7 9 63, कैरिंग इज 6। चलिए अब 343 और 84 ऐड हो जाएगा तो 43 कितना हो गया 7, 8 4 12 427, इन दोनों को ऐड कीजिए 437 9 3 12 2, कैरिंग इज 111 224, ये फिर से 427 427 आ गया, कितना 0 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये फैक्टर है x माइनस 7, ठीक है, देयरफॉर x माइनस 7 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टर को निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सवाल में क्या दिया कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो फैक्टर है इसका मतलब क्या है बच्चों, रिमाइंडर 0 होगा फैक्टर थ्योरम से। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, गिवन x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये तो x प्लस 5 इसका फैक्टर है ऐसा तो गिवन है, तो फैक्टर इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते थे, ठीक है, या फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है, क्या होना चाहिए कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम कुछ मान लेते हैं, चलिए पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स ऐसा हमने मान लिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, फैक्टर थ्योरम क्या होगा, p इंटू माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस 5 कैसा है, यहां से देखिए, जब आप इसको 0 कीजिएगा ना, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको माइनस 5 मिलेगा, तो इसका मतलब हो गया x का स्क्वायर है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू फिर x है, तो वहां पर भी माइनस 5 लिखना पड़ेगा, प्लस k इक्वल टू 0, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 = 25 + k = 0, तो आप देख सकते हो 25 25 कितना हो गया 50 + k = 0, तो k इक्वल टू हो गया -50। तो ऐसे हम k का वैल्यू निकाल देंगे, जब भी आपको दिया रहे कोई चीज की किसी का फैक्टर है तो समझ जाना उसका रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं ये पता है आपको, इसको 0 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो x की जगह पे रख दीजिए तो रिमाइंडर हो जाता है, अगर आपको पता है कि फैक्टर है तो डायरेक्टली इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इससे आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी लेंगे, तो फिलहाल आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें कि हम बहुत सारे फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।